जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और मैं आज आपको जो भी आपका ये इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है कि EMRS की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन होगी, सभी बिंदुओं पर मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। और आपको इसके बाद जो है इस संबंध में कोई भी वीडियो वॉच नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ जो स्लाइड लेकर आया हूँ, ये दुनिया भर के जो यूट्यूबर हैं उनका ही एक जो है मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और उसका PDF बनाया। और यही सब दिखाने के लिए, जो रियलिटी है वही मैं दिखाने के लिए जो है आपको यहाँ पर आया हूँ। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा आपको कि जब भी आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो पोस्टपोन हो जाती हैं तो आपको कहाँ और कैसे चेक करना है। तो सारी की सारी जानकारी जो है मैं आपको यहाँ से एकदम रियल जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है मेरे भाई, आपको वीडियो पूरा वॉच करना है और समझना है कि मैं आपको क्या ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कभी भी अगर आपका स्थगित होती है इस तरह की परीक्षाएं तो आपको कहाँ चेक करना चाहिए। आप दुनिया भर की जो है वीडियो देख देख कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है, है ना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी स्लाइड के बारे में जो है बता दूं कि ये जो स्लाइड आप देख रहे हो पूरी तरह से फेक स्लाइड है। ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं छपा हुआ है। पूरे भारत के न्यूज़पेपर में आप कहीं भी देख सकते हो, बट पता नहीं किसी ने इस आर्टिकल को जो है किस तरीके से तैयार कर दिया। दोस्तों, मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि आजकल जो है यूट्यूब पर दुनिया भर की फेक इस तरह की वीडियो बनाई जाती है, इसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि जितने भी भाई बहन हैं सारे के सारे जो है इस तरह के आर्टिकल को देखकर परेशान हो जाते हैं। देखो दोस्तों, कितना अच्छी तरीके से जो है इसमें वो बनाया गया है। ये हमारी परीक्षा स्थगित हुई, जनवरी में आयोजित होगी परीक्षा। भाई एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पर जो है इंडिया में जो है वैसे ही शिक्षक भर्ती जो है मुश्किल से निकल रही है, और इसमें भी यूट्यूबर और दुनिया भर के आर्टिकल इस तरह की जो है न्यूज़ छापकर जो है बच्चों को भ्रमित करते रहते हैं। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को आप उसी रफ्तार के साथ, उसी ऊर्जा के साथ कंप्लीट करते रहें। और इस तरह के जितने भी जो कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह के कंटेंट में बिल्कुल भी आप जो है मत आइए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आपको मैं जानकारी दे दूँ, जो अगर ये परीक्षा पोस्टपोन होती है, इसका एक रीज़न हो सकता है, मैंने कहा इसका केवल एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो है दुनिया भर के टीचर एग्ज़ाम है इसी दौरान। और इसी दौरान जो है आपको मैं बता दूँ, इसी दौरान जो है ये परीक्षा अगर आपकी पोस्टपोन होगी तो ये मान के चलिए आप 14 दिसंबर के आसपास इसकी सूचना जो है आधिकारिक वेबसाइट पर ही आपको दी जाएगी, है ना। अदरवाइज आप किसी भी अखबार के इस तरह की कटिंग के झांसे में मत आइए, क्योंकि ये पूरी तरह से फेक अखबार जो है, फेक कटिंग जो है बनाया गया है। आप देख सकते हो किस तरह से जो है इसको तैयार किया गया है कि ये अलग हेडिंग है और इसके अंदर जो गड़ी गड़ाई कहानी है वो अलग है। और यहाँ पर जो अमित शाह जी का फोटो भी लगा दिया गया है, बट और यहाँ देखिएगा ऐसे ही यहाँ पे एक पिक्चर लगा दिया गया है ना। तो ये सारी की सारी जो है न्यूज़ फेक होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल पर आपको किस तरीके से रियलिटी जाननी है और कैसे जो है आपको ये सारी की सारी चीज़ें जाननी है। सबसे पहले आप अपना गूगल जाइए और गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सरकारी रिजल्ट। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मेरे मोबाइल में जो है आ गया। तो सरकारी रिजल्ट जब जैसे ही आप खोल देंगे तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस तरह का इंटरफेस देखते हो तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर जो है लेटेस्ट जॉब, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो है मेरे भाई आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। लेटेस्ट जॉब यहाँ पर है, एडमिट कार्ड यहाँ पर है, रिजल्ट अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर है। मतलब ये मान लीजिए इस साइट पर जितनी भी जानकारी हैं सारे के सारे सब इसी से कनेक्ट है। देखो यहाँ CTET, UPSC सब कुछ यहाँ पर जो है दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको दिखाता हूँ आपको, जो आपका EMRS के बारे में जो न्यूज़ है ना, इसमें जो है EMRS के बारे में ये देखिए, ये मिल गया है ना, ये है हमारे पास यहाँ पर जो है EMRS, ठीक है। और EMRS TGT हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम डेट सिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है EMRS के भी कोई भी जो भर्ती वगैरह है कोई भी चीज़ यहाँ पर पोस्टपोन नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है इस गोला के अंदर आप चेक कर सकते हो। फिलहाल लिखा हुआ EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग है ना, केवल एग्ज़ाम डेट और सिटी जो है आए हुए हैं फिलहाल, यानी कि मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से कि ऐसा अभी तक
कोई सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर आपको नहीं मिल सकती, है ना। तो जिस तरीके से मैंने आपको जो है यहाँ पर बताया है, आप इसी तरीके से सीधे अपने सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो है जाकर के आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं, खुद भी आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, है ना। तो आपको दुनिया भर का वीडियो जो है इस संबंध में देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए। ओके, गुड बाय।